नमस्कार, विद्युनी समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल से की भारतीय सेना की तुलना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सेना के लक्षित हमलों की तुलना इजरायली अभियानों से की और कहा कि भारतीय बलों ने दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरी दुनिया में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा की जा रही है। पूर्व में हम सुना करते थे कि इजरायल ने यह किया है। गौरतलब है कि इजरायल दुश्मन देशों और आतंकी संगठनों के खिलाफ लक्षित हमलों के लिए जाना जाता है। देश में इससे पहले भी मांग उठती रही है कि हमें पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकवादियों को इजरायल की शैली में जवाब देना चाहिए। लक्षित हमलों का मुद्दा राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा और इसकी सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि भाजपा इस आरोप से इनकार करती रही है। उसका कहना है कि वह सेना का मनोबल बढ़ाने और प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति को रेखांकित करने के लिए इस मुद्दे को जनता तक ले जा रही है। आखिर मोदी ने भारतीय सेना की तुलना इसराइल से क्योंकि यह सवाल भी लोगों के मन में रह कर कौंध रहा है। लोग मोदी के बयान में छिपी भावनाओं को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा कहकर मोदी ने न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाया है बल्कि परोक्ष रूप से दुश्मनों को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब भारतीय सेना इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देती रहेगी, क्योंकि इसराइल की सेना किसी भी हमले के बाद तत्काल पलटवार करती है। संभव है कि मोदी का इशारा भी इस ओर रहा हो कि अब कोई भी हमला हुआ तो सेना उसका तत्काल जवाब देगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई को झटका दिया, खारिज की समीक्षा याचिका। सुषमा स्वराज ने कहा, दुनिया को ऐसे देशों को दंडित करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाक गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अफगानिस्तान तालिबान ने सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू की, अब तक दो दौर की बातचीत पूरी। सीरिया में अमेरिकी गठबंधन के विमानों के हमले में इस्लामिक स्टेट के 20 आतंकवादी मारे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।